गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास थर्ड। आज हम आपको हिंदी का चैप्टर कराएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज शुरू कराएंगे। शब्दार्थ और कठिन शब्द कर लिए होंगे आपने और रीडिंग भी कर ली होगी सबने। अब आपको अपनी बुक निकालनी है, पेज नंबर 11 पर एक्सरसाइज। सबसे पहले क्या है, सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। अब मैंने पूरा नहीं लिखा है, आंसर आंसर लिखे हैं, आपको अपनी बुक में से देखना है। कहाँ पे देखो, मधुबन नामक वन में, वन में सिर्फ एक क्या था, तालाब। क्या था बच्चों, तालाब आएगा क वाले में, तालाब था। सेकंड में देखो, तालाब की बड़ी मछलियों का शिकार कर अपना पेट कौन भरता था, मगरमच्छ। ख में क्या आएगा, मगरमच्छ। ग पे देखो, धीरे धीरे तालाब की समाप्त हो गई, क्या समाप्त हो गई थी बच्चों, मछलियां। ग पे देखो, मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर पल लेता था, किस पे लेता था बच्चों, जमीन पर। लास्ट वाला देखो, मूर्ख मगरमच्छ की बातों में आकर अपनी पूंछ हिलाने लगा, कौन किसकी बातों में आकर, सियार की बातों में आकर। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको ये फिल कर दे। अब नीचे देखो, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अब ऐसे ही इसमें पूरा नहीं लिखा है मैंने। कर पे देखो, मगरमच्छ किसे देखकर मृत होने का नाटक करने लगा था, किसको देखकर, सियार को देखकर। किसको देखकर, कवाले में क्या आएगा बच्चों, सियार को। आगे वाला देखो, सियार ने कहा कि मरे हुए मगरमच्छ की क्या हिलती है, पूंछ हिलती है। थर्ड वाला ग में देखो, जंगल के सभी जानवर तालाब पर क्या करने आया करते थे, क्या करने आते थे, सेकंड वाला पानी पीने। समझ में आ रहा होगा सबके, रीडिंग कर ली होगी सबने, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब फाइव वाला देखो, पेज नंबर 12 पर सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। अब देखो, कपे मूर्ख मगरमच्छ की बातों में आकर अपनी पूंछ हिलाने लगा, सही है या गलत है बच्चों, सही, ये टिक करना है आपको। कब है, कब है देखो, मगरमच्छ बड़ी मछलियों का शिकार कर अपना पेट भरता था, सही। जब पे देखो, सियार को आता देखकर मगरमच्छ पानी में चला गया था, नहीं गलत। मगरमच्छ अपनी मूर्खता पर बहुत खुश हुआ था, इसका क्या होगा बच्चों, गलत होगा। समझ में आ गया, क वाला सही, ख सही, ग गलत और घ का गलत। अब नीचे सिक्स पे है आपके क्वेश्चन आंसर, ये हम आगे की वीडियो में भेजेंगे आपको। सेवन पर देखो, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए, ये वाक्य आपको खुद बनाने, बुक में रीडिंग करना और अलग से भी बना सकते हो आप अच्छे से वाक्य, सही बैठे मतलब। जैसे स्वर्ग, जंगल, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं, सियार, जोखिम, इस तरीके से आपको इनके वाक्य बनाने। और ये व्याकरण वाले हमने छुड़वा रखे हैं आपके, क्योंकि आपकी व्याकरण की बुक में सब कुछ दिया हुआ है। और ये पेज नंबर 13 पर नीचे दिए गए चित्र में सुंदर रंग बनने इसमें आपको बुक में है। थैंक यू बच्चों, समझ में सबके आगे होगा।